किसान भाइयों, गुड़ बड़ा सोना है देखने में। 200 रुपये धड़ी का रेट है यहाँ। पावली कोल्लू है ये। कौन से बीज का? 38 का। कौन से का भाइयों? कुछ लोगों को तो ये पता नहीं होगा गुड़ कैसे बनता है, क्योंकि कुछ क्षेत्र में नहीं बनता। तो मैं आपको दिखाता हूँ हमारे ज़िला मेरठ में गुड़ कैसे बनता है। भाइयों, ये गन्ना है, ये किसान पैदा करता है और इसके तैयार करने में 1 साल लग जाते हैं। फिर इस गन्ने को खेत में से, जैसे वो खड़ा ना खेत में हरा चमक रहा, वो गन्ना खड़ा है, इसको छोलने के बाद में इस तरह कोल्लू में डालते हैं और कोल्लू में ये फिर इस कोल्लू में पेड़ा जाता है। जैसे बच्चा गन्ने लगा रहा है, छोटू लगा दे भर के, ये देखो कोल्लू में पेड़ा जाता है और इसकी खोई निकलती है पीछे। इसमें रस बिल्कुल नहीं, सारा रस जो है वही नहीं। ये बेलन है मोटे मोटे, ये पेड़ देते हैं इसे और इसमें से रस निकल के इसमें को आता है। अच्छा, होती में जाता है पहले, मैं आपको होती दिखा रहा हूँ। ये देखिए रस होती में आ रहा है। ये एक होती है, दो होती है, जब ये भर जाती है इसमें ले आते हैं। और ये भाई होती में से इस पाइप में को होके ये रस इस कढ़ाव में आता है। और ये पहला कढ़ाव जो है इसमें इसकी आँच कम लगती है, इसकी निखारी इसमें हो ना, बीच वाले में इसमें इकट्ठा कर लेते हैं और इसमें बीच वाले में निखारी होगी और इसमें चाशनी पकती है। ये गुड़ैया हैं, गुड़ आप ही बनाते हो? बहुत बढ़िया। देखो ये काम हर आदमी के बस का नहीं है, हमारे बस के नहीं गुड़ बनाना, हर कोई नहीं जानता। और ये इसमें भट्टी में झोंका लगता है, ये इधर झोंक फैला रखा है, इसको सुखा रहे हैं। ये पुराना झोंक है और ये भट्टी में झोंका जाता है। देखो किस तरह से झोंक रहे हैं। फटाफट झोंका जा रहा है भाई। वाह, इस तरह खोई झोंक की जाती है। और जैसे बरसात हो जाती है, इंजन ख़राब मतलब गिल्ला हो जाता है, ये पन्नी ढक देते हैं, इस ये काम आता है। पिछले साल का स्टॉक रखते हैं। तो जब इसकी आँच लगती है तो इन कढ़ाओं में, 3 कढ़ा हैं, इनमें चाशनी पकती है। पहला कढ़ा ज़्यादा आँच लगती है, इसमें कुछ कम लगती है, तीसरे वाले में और भी कम लगती है, लेकिन रस इसमें गर्म होता रहता है और उसमें से आता रहता है कोल्लू में से। तो इसमें निखारी करते हैं। अच्छा, निखारी में क्या क्या डाल लो? सुकड़ाई और कोई सोडा वगैरह? सुकड़ाई डालते हैं। अच्छा, ये सब जो जवान है सारे कोल्लू में काम करने वाले बच्चे हैं, ये सभी बच्चे कोल्लू में काम करते हैं। और निखारी के बाद में फिर ये इसमें चाशनी पकती है। अभी फतका नहीं पड़ी, फतका बोलते हैं ना, कब पड़ेगी इसमें? जब काफ़ी देर हो जाएगी, और थोड़ी देर में होगी। चलो मैं आपको दिखाऊंगा, चाशनी उतरती भी दिखाऊंगा आज। अभी मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे ये पेड़ते हैं। ये भाइयों पुराना आइशर है, ये चला रखा है इस पर। और ये कोई 1200 RPM पे चल रहा है। ये पट्टा लगाया गया है यहाँ पे। इसके RPM घटाए गए हैं, वो छोटी खुदी है, ये बड़े लगा दी।
तो सापट पे चक्कर घट गए। फिर यहाँ अगली पुली छोटी लगाई गई है जिस पर कोल्लू बह गए, तो कोल्लू के और भी चक्कर घटा दिए गए। अगर डायरेक्ट ट्रैक्टर चलाते तो ज़्यादा चक्कर बनते, इसलिए चक्कर घटाए गए हैं सापट के द्वारा। और ये भाई ऑल्टरनेटर है, इसके चक्कर बढ़ाए गए हैं, बड़ी पुली लगा के आगे छोटी लगा दी गई, क्योंकि इन्हें बिजली की आवश्यकता पड़ती है। जैसे लाइट चल रही है, यहाँ सरकारी बिजली का कोई काम नहीं है, अपना सब प्राइवेट है। ये भाइयों डीजल फूंकते हैं, ये और भी पुराना ट्रैक्टर है, पिछले साल चला करता था, इसके टायर वायर ख़त्म हो गई है, लेकिन अब भी चालू है, ये एमरजेंसी के लिए खड़ा किया हुआ है। भाइयों देखो वो चाशनी तैयार होने लग रही है, उसके बाद वो इस तरह उतारी जाएगी यहाँ चाक में, और इसका गुड़ बनेगा। जैसे ये बन गया, बिल्कुल सफ़ेद गुड़ है, और ये कांटे पर तोला जा रहा है इधर, इन्हें बोलते हैं खुरपा पाड़। तो इसमें अंदाजा एक मन गुड़ तो हो जानी, एक इसमें है एक मन नौ धड़ी के आसपास। तो ये चार कुंटल मोहरा कितने में भाइयों? हाँ अभी जरा बारिश बारिश पड़ गई ना, रिकवरी कम है भाइयों। चार कुंटल से कुछ ज़्यादा गन्ना लग रहा है, तब एक मन गुड़ हो रहा है। और रेट क्या चल रहा गन्ने का? ढाई सौ भाइयों, 250 के आसपास रेट है गन्ने का। बेमौसम जो बरसात हुई है तो इसने नुकसान कर दिया बहुत, क्योंकि बारिश से ना काम बंद हो जा, ये जो खोई है ये गिल्ली हो जा, सारा काम बंद हो जाता है। तो यहाँ से भाइयों ये जो ख़रीदार हैं ये ले जाते हैं और अपना गांव में और शहरों में बाज़ारों में कॉलोनी में बेचते हैं। देखो कितनी अच्छी खुरपा पाड़ है, देखो ये खुरपा पाड़ नया गुड़ उतारा जा रहा है। ये 3820 का है, हमारे यहाँ जो हैं ज़िला मेरठ में ज़्यादातर 38 बोते हैं, हरियाणा में तो 19 बोते हैं, 85 बोते हैं, एक 14 भी है जो हमारे क्षेत्र में बोया जाता है कालंद की सरदना की तरफ, उसका भी गुड़ बहुत बढ़िया बता रहे हैं लोग बाग। कभी 14 भी बोया नहीं इधर किसी ने? कम बोते हैं लोग, उसका गुड़ बढ़िया बताओ। हैं बढ़िया होता है, बहुत सुंदर सफ़ेद। देखो मैं 15 मिनट रुकने के बाद मैं वीडियो स्टार्ट की है, कितना फ़र्क पड़ गया। ये फतगे पड़ रही है और वो तैयारी पे चल रही है, थोड़ी देर बाद में वो यहाँ उतारी जाएगी चाक में। ये पहली चाशनी उतार दी गई, इसका खुरपा पाड़ बना दी गई, अब इसका नंबर आएगा। ऐसे एक क्रम चलता रहता है, इसके बाद ये, इसके बाद फिर ये, क्योंकि ये रस जो है इसमें आ जाएगा और ये उसमें उतरने के बाद उसमें चला जाएगा, आधा ये पक जाएगा, कुछ ये पक जाएगा, तो ऐसे ही चलता रहता है एक क्रम सा। भाइयों देखिए अब ये उतरने की तैयारी में है, ये फदका पड़ रही है, देखो किस तरह से कितना हाई टेम्परेचर है इसके अंदर। तो भाइयों थोड़ी देर में ये उतर जाएगी, और देखो किसान की कितनी दुर्गति है। ऊपर आसमान में गड़गड़ाहट शुरू हो गई है, बारिश का मौसम है, अब बताइए ये चीज़ अंदर तो रखी नहीं जाती, बारिश पड़ेगी कितना नुकसान होगा।
और बहुत बड़ा नुकसान है इसमें, किसान को नुकसान है। जितना भी लेट अब बारिश पड़ रही है उतना ही फैक्ट्री भी लेट हो रही है और कोल्लू में भी माल कम पेड़ा जाएगा, जबकि अब बारिश का समय नहीं है बिल्कुल भी। एक सारा जोक भीग जाएगा बारिश में, बहुत बड़ा नुकसान होगा। कई दिन फिर 3-4 दिन कोल्लू बंद रखना पड़ेगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। नमस्कार।